शनिवार को मध्य प्रदेश के दौरे पर पहुंचे कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने रविवार सुबह उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। पूरे विधि विधान से पूजा करते दिख रहे डीके शिव कुमार भस्म आरती में भी शामिल हुए। उनके साथ विधायक महेश परमार, शोभा ओझा, जीतू पटवारी और कांग्रेस के अन्य नेता भी मौजूद रहे। पूजा अर्चना के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि महाकालेश्वर ने हमें कर्नाटक में सरकार के रूप में लोगों की सेवा का अवसर दिया है। मैं यहां चुनाव से पहले भी आया था। साथ ही कहा कि 6 जून 2023 से हम कर्नाटक में महिलाओं के लिए बसों का किराया फ्री कर रहे हैं। हम जनता से किए अपने सभी वादों को पूरा करेंगे। WTC फाइनल के चौथे दिन शुभमन गिल के विकेट को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। दरअसल 8वें ओवर की पहली गेंद पर ग्रीन ने लपक कर शुभमन का कैच लिया। चूंकि गेंद काफी नीचे थी और कथित तौर पर लगभग जमीन को छूती हुई दिखाई दे रही थी, ये फैसला थर्ड अंपायर तक चला गया, जिसके बाद थर्ड अंपायर ने ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में फैसला सुनाया। इस फैसले ने कई पूर्व क्रिकेटरों को चौंका दिया। क्रिकेट जगत के सितारे इस फैसले पर बटे दिखाई दिए। टीम इंडिया के पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री और पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पोंटिंग ने फैसले को सही बताया। पोंटिंग का कहना है कि अंपायर के मुताबिक जमीन छूने से पहले गेंद पर फील्डर का पूरा कंट्रोल होने पर बल्लेबाज को आउट करार दिया जाता है। दूसरी ओर पूर्व भारतीय बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने एक आंख पर पट्टी बांधे हुए युवक की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, शुभमन गिल के विकेट का फैसला करते हुए थर्ड अंपायर, अनिर्णायक सबूत, जब संदेह हो तो यह नॉट आउट है। तो वहीं पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर राशिद लतीफ ने लिखा, ऐसा लग रहा है ये नॉट आउट है। इनके अलावा कई फैंस ने भी इस फैसले के बाद ट्विटर पर अपनी नाराजगी जताई। रविवार सुबह फिर एक बार सोने की कीमतों में बदलाव देखा गया। 24 कैरेट वाले सोने की कीमत में बदलाव हुआ है, जबकि चांदी के दाम रविवार को भी शनिवार के मुकाबले बराबर हैं। गुड रिटर्न्स वेबसाइट के मुताबिक 24 कैरेट सोने का भाव 130 रुपए लुढ़क कर रविवार को 60,700 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया, जबकि शनिवार को इसकी कीमत 60,830 रुपए थी। वहीं चांदी की बात करें तो रविवार को भी चांदी के दाम 74,500 रुपए प्रति किलोग्राम है। वहीं दिल्ली में 22 कैरेट सोने के दाम में भी 100 रुपए की कमी आई है। रविवार को ये दाम 55,650 रुपए प्रति 10 ग्राम है। वहीं 22 कैरेट सोने के दाम में भी 100 रुपए की कमी आई है। रविवार को 22 कैरेट सोने के दाम 55,650 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई। गंदी बात, फिल्म एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ अपनी शादी को लेकर सुर्खियों में है। दरअसल सोशल मीडिया पर उनकी शादी की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। फोटोज में गहना और फैजान अंसारी शादी के जोड़े में नजर आ रहे हैं। दोनों के निकाह की तस्वीरें सामने आते ही सोशल मीडिया पर छा गई हैं। गहना वशिष्ठ ने अपने बॉयफ्रेंड फैजान संग शादी की है, जिसके साथ वो पिछले कुछ समय से रिश्ते में थी। हालांकि कपल ने अब तक अपने रिश्ते को ऑफिशियल नहीं किया है, लेकिन वायरल तस्वीरें देखकर हर कोई उन्हें शादी की शुभकामनाएं दे रहा है। गहना के पति फैजान अंसारी की बात की जाए तो वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और एक्टर हैं।